First of all, happy Independence Day to all of you. See, I have been doing the mimicry part since my school days. Okay, then I moved to college. I was doing the mimicry for my college mates. Then I moved to new organizations. Then there I was doing the mimicry of my office mates and my Now this is Mega yesterday. Mega called me and asked me to do a stand up comedy. So this is my first time I am doing something like this. So I request you to please cooperate with me. Okay. अगर हंसी ना भी आए तो भी थोड़ा बहुत हंस दे. आप ऐसे production बादशाह ऐसे. तो अभी क्या नाम था आपका? आपने बहुत अच्छा एक्ट किया. अभी जो मैं एक्ट करने जा रहा हूँ वो किससे रिलेटेड है? हम सब आज की डेट में शादियों में जाते हैं, सब लोग, ठीक है, घर से अपना तैयार तैयारी होकर निकलते हैं किसी भी शादी में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बाहर, छोटी शादी, बड़ी शादी, फाइव स्टार में शादियों में जाते हैं. तो शादियों में कैसा माहौल होता है, मतलब शुरू से, स्टार्टिंग से लेके और टिल आप घर पे वापिस आने तक का क्या सीन होता है शादियों का? सबसे पहले तो हम घर से तैयार होकर निकलते हैं, कोई भी भाई बहन, भाई हस्बैंड, और जब भी कोई तैयार हो रहा था तो लड़के को तैयार होने में 5 मिनट लगते हैं. लड़का उठा, नहाने का मन है, नहीं नहाना हुआ, हुआ नहाया, कंघी करी, अच्छा सा परफ्यूम लगाया, बस एक ही शर्ट पैंट जींस जूते, आई एम रेडी. लड़कियां अंदर होती है कमरे में. कौन सी? फिर बाहर आए कैसी लगी? अब उनको बोल दो बेकार लग रही है तो आधा घंटा फिर खराब. मैं अभी गई और चेंज करके आई और बोल दो अच्छी लग रही है तो 3 दिन फिर और मुश्किल. शादी में जा रही थी, अच्छी लग रही. चलो अब तैयार हो गए, गाड़ी गुड़े बैठे, शादी में घुसे. तो जो लड़कियां होती हैं उनका मोटिव तो ये होता है कि मुझे जो लगता है कि ठीक है लड़के थोड़े बहुत मुझे देखे, चाहे वो मैरिड है चाहे नहीं है, गोलगप्पे का पानी, पाव भाजी में मक्खन, ठीक है, और चीज चीन कैसे होगी. लड़के गाड़ी चलाते हैं, सोच करते हैं शराब किस, वो तो किसके पास. अब जो सबसे मेजर चैलेंज है दिल्ली गुड़गांव की शादियों का, जैसे ही हम वेन्यू पे, गूगल मैप सबके पास है कि पता लग जाता है 5 मिनट में वेन्यू आने लग जाता आने वाला है, तो पार्किंग की बहुत दिक्कत है. और हमारे, हम दिल्ली गुड़गांव वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, हमको डैश 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 समझते हैं. इसने देखो कैसे लगा दी गाड़ी, टेढ़ी खड़ी कर रखी है, ये देख जाए नेस्टी लोग गाड़ी कौन सी और खड़ी कैसे कर रखी है. फिर जाएंगे बहुत आगे, पार्किंग मिलेगी नहीं, फिर वहीं से यू टर्न लेके आएंगे, इधर उधर गाड़ी खड़ी कर देंगे, ठीक है, अंदर घुसेंगे. अब लड़कियां विपन वाले से कोई लेना देना नहीं, बोल देते हैं 5 मिनट पार्किंग पे, देखते हैं इधर उधर कोई भी रहेगा. फिर एक दोस्त को फोन करेंगे जिसको लगता है कि उसको दारू हो सकते, हेलो अनुपम. उसको लगता अनुपम डेट शान है. अनुपम ने बोला दारू प्रेम के पास है, ले ले. प्रेम तो पिता नहीं यार. अब अनुपम सर कंसल्टेंट के भी कंसल्टेंट है, अरे उसने पीनी शुरू कर दी. अब प्रेम सर के पास कौन है? प्रेम सर अभी है, मतलब रास्ते में है, शादी में पहुंच रहे हैं. प्रेम, अरे ये किसका, ये क्या पूछ रहा है, छोड़ा इसका. चलो भाई, बंदे ने इधर उधर देखा, दारू नहीं मिली, अंदर घुसते. अब अंदर घुसते ही कई बार होता है कपल साथ में खाना खाते हैं, कई बार अलग अलग खाते हैं. तो जैसे ये भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, एक बंदा एक्स वाई जेड कोई भी पाव भाजी खिला रहा है, ठीक है, आप आए, आपको दे दिए. अब भाई स्मार्ट सी लड़की तैयार हो गए, लिपस्टिक लगा रखी है उसने पूरी, पाव भाजी के पास 18 से 20 हाथ ऐसे खड़े हुए होंगे, मेरे को दे मेरे को दे. लेकिन जैसी लड़की आई, भैया पाव भाजी तेरी. पाव भाजी किसको दी? लड़की को. बच्चे देख रहे, छोटे छोटे बच्चे बेचारों को भूख लगी है, वो अंकल पाव
इधर आओ, वो पावाजी मिलती है लड़की, चलो ठीक है पावाजी खाई, इधर उधर माहौल देखा, उसके बाद सबको होती है भाई आए शगन दिया, फोटो तो खिंचवा के जाए, ठीक है। अब फोटो खिंचवाने के लिए भाई एक कुर्सी देना दो, फोटो खिंचवाने के लिए लड़का लड़की बैठे होंगे स्टेज पे, अब लड़के लड़की की ओर रखी होती है भड़क, उस टाइम लड़की ने तो 35-40 किलो कपड़े पहने, लड़का कब खींचेगी फोटो, इतने सारे लोग फोटो खिंचवाने के लिए आए जा रहे। अब कोई भी एक लड़का लड़की यहाँ पे आ जाए प्लीज, एजेंसी में लड़की को भी आना है, कोई भी दो लड़के ही बैठ सकते हैं। लड़की कौन है इसमें? कोई भी है, अब किसी मैं थोड़ी सी, अब जो शादी है उसमें पूरा WFX फैमिली हमारी इनवाइटेड, ठीक है। अब WFX फैमिली इनवाइटेड है तो ठीक है, हम रंगीन बंदे हैं, सब पार्टी वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो सब लोग शादी में पहुंचे हैं, तो एक एक करके कॉन्ग्रेचुलेशन देने आएंगे लड़का लड़की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ललित सर से, ललित सर पहुंचे, मतलब खाना खुना खा गए बढ़िया, सलाद दही के ऊपर नमक मिर्च डाल के आइसक्रीम खा के पेट फूल है, चलो शिको जी फोटो खिंचवा के आए, शिको जी चले क्या? ललित सर पहुंचे, हजार पैसा का नाम कम से कम, ललित सर का दिल बहुत खुला है, इसके बाद इधर से रूपन सर आए, इधर बाद रूपन सर भी शादी में तो आना बनता है रूपन सर। किसी बड़े बंदे की शादी थी, जतिन सर भी कपल में शादी पार्टियों में कमी जाते हैं, को पसंद है काम और घर का काम, जतिन रुखाया सीनियर डेवलपमेंट लीड, जतिन रुखाया शादी में बंदे मुझे नहीं था कुर्ता पहन के आया लेकिन तो जतिन रुखाया आकाश सर कांग्रेचुलेशन। जतिन सर यहाँ पे वहां आकाश सर बैठे हैं, आकाश सर कांग्रेचुलेशन। क्यों लोग ये पास नहीं है?
बस फिर शादी खत्म हुई, इन्होंने फोटो वोटो खिंचवाई, घर चले गए और सो गए।